सुरक्षा। नमस्कार, मैं अशोक शुक्ला माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जनपद प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भी जाति फैक्टर अपने को जोड़े रखने की चुनौती। प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी जाति बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसमें 3 जातियों का भी प्रभावी संख्या है। इस आधार पर भाजपा और सपा दोनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में जीत के दावों तथा जाति संकट के बीच अनुसूचित जाति वर्ग का जिला पंचायत सदस्यों की भूमिका बढ़ गई। इस जाति संकट के साधने के लिए दिग्गज नेताओं की घेराबंदी भी शुरू हो गई है। जिले में कुल 84 जिला पंचायत सदस्य हैं। इस चुनाव में जाति फैक्टर को इसे ही समझा जा सकता है कि सपा और भाजपा दोनों दलों की ओर से सदस्यों की जातिवार सूची तैयार की गई है। यादव बिरादरी के 20 से अधिक सदस्य निर्वाचित हुए, वहीं पटेल बिरादरी के 13 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 22 है। स्वर्ण बिरादरी की निर्वाचित सदस्यों की संख्या करीब 1 दर्जन है। इसे ध्यान में रखकर चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है, साथ ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जात के आधार पर मतों की ध्रुवीकरण की कवायद के बीच सपा और भाजपा के सामने एका बनाए रखने चुनौती भी बढ़ गई है। खासतौर पर यमुना पार के 2 दिग्गजों नेताओं की भूमिका को लेकर कई तरह चर्चाएं हैं। कई निर्वाचित सदस्यों पर इनका अधिक प्रभाव होने की बात कही जा रही है। इनमें से एक सपा के वरिष्ठ नेता हैं तो दूसरे भाजपा में हैं। जानकारों का कहना है कि सियासी पृष्ठभूमि को देखते हुए दोनों ही नेताओं की जाति ध्रुवीकरण की राजनीति रास नहीं आएगी। ऐसे में दोनों दलों के सामने इन नेताओं का भी मनाने की चुनौती है। इसके अलावा जीत के लिए 43 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में अनुसूचित जात के निर्वाचित 22 सदस्यों के रूप पर सभी की नज़र है। वहीं केसरी और रेखा के बगैर 21 वर्ष बाद होगा अध्यक्ष का चुनाव। जिला पंचायत अध्यक्ष के 26 वर्ष के इतिहास में 21 वर्ष बाद ऐसा होगा जब सांसद केसरी देवी पटेल और रेखा सिंह के बिना चुनाव होगा। जिला पंचायत का गठन 1995 में हुआ था। इससे पहले जिला परिषद हुआ करता था। 1995 के चुनाव में जनता दल के विश्राम दास अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के समर्थित पूर्व सांसद राम निहोर राकेश की पत्नी को हराया था। इसके बाद 2000 के चुनाव में केसरी देवी पटेल अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। इसके बाद 2005 चुनाव में से ही केसरी देवी और रेखा के सिंह बीच मुकाबला होता रहा। केसरी देवी बसपा तथा रेखा सिंह सपा के समर्थन से चुनाव लड़ती रही और 2020 तक यह सिलसिला चला। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पहली बार गंगा पार खाते में आएगी। पहले निर्वाचित अध्यक्ष विश्राम दास मेजा के थे तो इनके बाद इस कुर्सी पर लंबे समय तक काबिज रहने वाली रेखा सिंह भी मांडा तथा केसरी देवी पटेल कचना से सदस्य निर्वाचित होती रहीं। वहीं इस बार भाजपा समर्थित बीके सिंह और सपा के मालती यादव दोनों ही उम्मीदवार हंडिया के अलग अलग बॉर्डर से सदस्य निर्वाचित हुए हैं। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से विनोद पांडे, हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।